लेकर आए कि होठा बात तोहार जैसे भोर के किरनिया ओ अखियां में प्यार के समाइल बदुनिया। भगवान बड़ी फुर्सत से तोरा के बनौले बा हुस्न के जादू अदा के मंत्र हम पे चलौले बारे हुस्न के जादू अदा के मंत्र हम पे चलौले बारे भगवान गीत की एक खास बात है सुनिएगा लक्ष्मण बार सरासन आनो इतनी प्रार्थना करने के बाद सागर ऊपर नहीं आया तो भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया बिना ही न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रिय और लक्ष्मण को आदेश दिया जाओ अग्नि बार संधान करो और मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तो गीत कह रहा है क्या लक्ष्मण बार सरासन आनो और सोखहु बार दे बिसिख कृसानो और जब इतना कहा तो हुआ क्या क्या उठी उदिधि उर अंतर ज्वाला पार चढ़ौले प्रभु ने जैसे ही अग्नि बार संधाना समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठ पड़ी तो गीत कह रहा है उठी उदधि उर अंतर ज्वाला पार चढ़ौले और जैसे ही पार चढ़ाया तो उधर कर जोड़ सरस पानी का सागर तब ओले वैसे ही हाथ जोड़कर सागर आ गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे प्रभु अरे मुझे मत मारना और कहने लगे इस बाण को जब आपने निकाल ही लिया है तो गीत सुनेगा उत्तर तटवासी पर छोड़ो ईसर जो चढ़ौले पारे
छोड़ दीजिए। अब सागर प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर तटवासी पर छोड़ो ईसर जो चढ़ौले मारे, और आभीर जाति के खल को यमपुर पहुंचोले बाड़े। अरे उत्तर दिशा में इसका संधान करिए, और वहां पर जो आभीर जात के खल है उनको यम लोग पहुंचाइए प्रभु। तो भगवान राम ने यही किया, तो गीत कह रहा है अरे उत्तर तटवासी पर छोड़ो सर जो चढ़ौले बाड़े, छोड़ो सर जो चढ़ौले बाड़े, आभीर जाति के दर्दो यमपुर पहुंचौले बाड़े। सरकार की जय। जितने श्रोता जन थे, टुकड़ा बढ़िया है आपकी ओर से, कहने लगे क्या कहने लगे क्यों हुस्न के जादू अदा के मस्ती हम पे चलो सुना नहीं है गाना। सही सही आपके द्वारा सुन रहे हैं पहली बार, लेकिन धुन अच्छी है। टुकड़ा आपने गाया है राम जी को, 3 दिन हो गए प्रार्थना करते करते, लेकिन रास्ता नहीं दे रहा है सागर। फिर उठी, अरे उठी उदधि मन अंतर ज्वाला बाण चलाओ सागर तब औले बाड़े। सागर आ गया, बोला महाराज जी क्या कर रहे हो? प्रभु दीननाथ मुझे सुखा दोगे, मेरे अंदर जीव जंतु तमाम रहते हैं, उनकी बिना मौत
वो बिना मौत के मारे जाएंगे। आखिर उनका क्या दोष है? आप ऐसा ना करें। बढ़िया टुकड़ा आया है, सुनिए मेरी ओर से प्रयास। भगवान राम ने कहा सागर ये बताओ फिर हमारी सेना पार कैसे जाएगी? सही है, हम अपनी सेना को पार कैसे ले जाएंगे? तो समुद्र उपाय बता रहा है। क्या बता रहा है? सागर कहने लगा क्या? बोले प्रभु आप ही देखिए, आपकी सेना में कुछ ऐसे वीर हैं। हाँ कुछ तो है। नाथ नील नल, अरे कपी दो भाई। दो वानर हैं जिनको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम पानी में कुछ भी फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। तो क्यों ना प्रभु आप पत्थरों के पुल का निर्माण करिए और नल नील पत्थर डालते जाएंगे और आपके जाने का सुगम रास्ता तैयार होता जाएगा। तो कहने लगे भारे काम दिखाऊले वाले पत्थर पानी में गिरौले। वो पत्थर पानी में डालेंगे दोनों, तो पत्थर पानी में गिरौले प्रभु से तू बनो ले बाड़े। प्रभु इसी प्रकार सेतु बन के तैयार हो जाएगा, आप और आपकी सेना भी पार हो जाएगी। आओ तो सेना का पार करो ले और रावण का पार हो जाएंगे, रावण का नाश भी हो जाएगा और प्रभु मेरी मर्यादा भी बनी रहेगी, आपकी भी मर्यादा बनी रहेगी, जो जीव जंतु आपके बाण से मारे जाने वाले वो भी बेचारे बच जाएंगे। तो सेना का